नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर दिनेश श्रीवास्तव के साथ। एक बार फिर हम पीएस कोल्ड स्टोरेज में हैं और आलू का अनुभव तो है ही, साथ साथ में राजनीति का भी अच्छा अनुभव है। सुशील कुमार कटियार जी हमारे साथ हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम आलू पर ही चर्चा करेंगे कि आज की तारीख में आलू की क्या स्थिति है। इसके बाद हमारी चर्चा होगी अग्निपथ योजना का जो ऐलान किया गया केंद्र सरकार के द्वारा और जगह जगह विरोध हो रहे हैं, इस पे आपके विचार क्या हैं। इसके बाद राजनीति पे थोड़ी चर्चा होगी, नेता किस प्रकार का होना चाहिए। इन्हीं सब बातों को लेकर के सुशील कुमार कटियार जी से चर्चा करते हैं। सर स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले सर आलू पे बताइए, आलू क्या पोजीशन है? सबसे पहले तो आपको हम धन्यवाद देते हैं और बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि आप किसानों के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं और सही सही जानकारी किसानों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। सर आलू की आज की तारीख में क्या स्थिति बनी हुई है? फिलहाल तो भाव ठीक है, निकासी थोड़ा सुस्त है, केवल यही दिक्कत है। बाकी संभावना तो कुछ दिनों के लिए ठीक पाई जा रही है। जैसे बरसात शुरू होगी आलू की बिक्री भी बढ़ेगी और थोड़ा भाव भी बढ़ेगा, खपत भी बाजार में होगी। आज की तारीख में सर रेट क्या है? आज की तारीख में हम लोगों के यहाँ जो साफी बिकता है किराया छोड़ करके, चिप्सोना की हालत 600 से 650 रुपए, 650 तक है। नीचे में अगर कमजोर आलू है तो 500 550 बिकते हैं। अच्छे आलू 600 की रेंज में बिक रहे हैं, जिसमें किसान को पूरा दाम 600 का मिलेगा, कोई कटौती उसमें नहीं होना। चिप्सोना 600-650 रुपए के आसपास, जैसा कि आप बता रहे हैं। हाईलैंड की क्या स्थिति है सर? हाईलैंड जैसे आलू है 500 से 570 रुपए साफी बिक रहे हैं। इसमें भी वही हाल है, किराया अलग से है, किसान के दाम 500 से 570 रुपए प्रति पैकेट बिक रहा है। सिंदूरी की सर बात करें, सिंदूरी भी 450 से 525 रुपए तक बिक रही है। और सर हाइब्रिड आलू क्या रेट? हाइब्रिड देखो कई क्वालिटियां होती हैं, बेहतर क्वालिटी वाला आलू आज भी 450-550 रुपए पैकेट बिक रहा है। आलू की निकासी क्या स्थिति है? निकासी आगरा से सिरसागंज तक सब सही है, अच्छी निकासी है, पिछले साल से भी अच्छी निकासी है। लेकिन हमारे मैनपुरी से फरुखाबाद, कन्नौज और कानपुर के बीच की निकासी थोड़ा कम है, लेकिन अब निकासी शुरू हो गई है। 10% के आसपास हम लोगों के बीच में भी निकल गया है और आगरा तो 20% से ऊपर हो गया है, सिरसागंज भी 20% से ऊपर हो गया है। सब मिला करके निकासी जो है संतोषजनक है। वैसे देश में जैसे गुजरात की निकासी वो भी बहुत अच्छी है, हरियाणा की भी निकासी बहुत अच्छी है। पंजाब में खाने वाला आलू कम होता है, बीज का आलू ज्यादा होता है, तो वहाँ निकासी का कोई मतलब नहीं होता है। केवल बंगाल की थोड़ी निकासी इस वर्ष कम है और उसकी वजह केवल एक ही है कि उन्होंने जो यूपी से ले जा करके महंगा आलू भंडारित किया है उनका बाजार में पड़ता नहीं लग रहा, उनकी निकासी इस वर्ष कम है। मई के लास्ट तक उनकी निकासी केवल 5% हुई है और इस महीने अंदाज लगाया जा रहा है कि 15% के करीब, 14 या 15% के करीब बंगाल की भी निकासी 30 जून तक हो जाना चाहिए। ये राज्य स्तर के निकासी आप लोगों को अवगत कराया कि राज्य स्तर पर निकासी इस टाइम आज 20 जून को क्या स्थिति बनी हुई है। कुल मिलाकर जैसा आप बता रहे हैं कि 15 से 20% तक निकासी हो चुकी है। आने वाले समय में हालांकि कोई ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी आपने जो जो भविष्यवाणी जब जब की लगभग सटीक बैठी। तो सर से एक बार और हम यही क्वेश्चन करेंगे, आने वाले समय में क्या स्थिति बनने वाली है? ज्यादा नहीं, 8-10-15 दिन में क्या स्थिति बनने वाली है? 15 दिन में तो अभी फिलहाल तो यही है कि भाव कुछ बढ़ने वाले हैं और फिर मौसम के ऊपर निर्भर करता है भाव, और मौसम भाव बढ़ाने के अनुकूल में होने वाला है। थोड़ी गर्मी कम हो रही है तो लोग आलू का खाना भी मैंने ज्यादा कर दिया है, तो भाव तो थोड़ा एक महीने के लिए स्टैंड रहेगा, अच्छा रहेगा। एक महीने बाद कुछ स्थिति गंभीर होती है? कहा नहीं जा सकता, कारण उसका केवल एक ही है, स्टॉक अलग बात है। जो हम लोगों ने आलू मिलों में भंडारित किया है उसमें जो राटन आलू निकल रहा है ये आलू के भविष्य को तय करेगा। कहीं
10% खराब है, कहीं 15% खराब है, कहीं 5% खराब है। अब लाटें जो कट रही हैं तो 10 में एक लाट तो खराब निकली रही है, ये परसेंटेज कितना बैठेगा इसका जब भली प्रकार आकलन हो जाएगा तभी आलू के भविष्य की बात की जा सकती है। वैसे जैसा दागी सड़ा निकल रहा है ये तो कहीं मंडी में बिकने जाता नहीं है, अगर इसी तरीके से पूरे कोल्ड स्टोरेज में दागी सड़ा निकला तो आलू का भविष्य फिर खतरे में नहीं है, पूरा आलू बिक जाएगा और ठीक ठाक।